Children, in today's class, let us start with exercise 3.4 on the topic data handling. In the very first question, tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen, but not certain. Here, certain statements are given. We have to give see whether that particular statement is certain to happen, or that statement is impossible, or that statement can happen but not certain. ठीक है, तो first part देखो. You are older today than yesterday. You are older today than yesterday. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने आप कल थे एज में, आज उससे ज़्यादा हो, तो वो तो पक्की बात है. हमारी एज जो कल थी, यस्टरडे थी, और टुडे में एक दिन का एडिशन हो गया, तो दिस इज़ सर्टन टू हैपन, मतलब ऐसा होगा ही. तो ये वाला रीज़न यहाँ पे आएगा, सर्टन टू हैपन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो. अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड्स अप. अब क्या है, आपके पास एक कॉइन है, आपने इसे सिक्का से उछाला, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हेड आएगा, टेल भी तो आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मगर हम पक्के से नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा. तो हम यहाँ पर क्या रीज़न लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टन. कैन हैपन बट नॉट सर्टन. ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट. अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप. अब डाई क्या होता है, वो जो लूडो की गोटी होती है जो हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, उसमें नंबर्स आते हैं. तो जब हमने वो डाइस को फेंका, तो वो बोल रहे हैं कि इट शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप, मतलब उसमें 8 ऊपर आएगा. तो 8 कहाँ से आएगा, 8 तो होता ही नहीं है. डाई में कितने नंबर्स होते हैं, ए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और 6 होता है. 6 के बाद तो नंबर्स ही नहीं होते उस पर. तो इसमें हम क्या रीज़न लिखेंगे, इम्पॉसिबल. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट. द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अब आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अब जो नेक्स्ट, अब मैं जब नेक्स्ट वाली लाइट आएगी वो मुझे ग्रीन दिखाई देगी. तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ग्रीन दिखाई देगी, दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती, रेड लाइट भी तो हो सकती है, येलो लाइट भी तो हो सकती है, ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रीन ही होगी, हो भी सकती है मगर नहीं भी हो सकती है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टन. कैन हैपन बट नॉट सर्टन. ठीक है, अब फिफ्थ बात देखो. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. अब आज मैं कैसे बता सकती हूँ कि टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना. तो we will write here can happen but not certain. Can happen but not certain. ठीक है, अब आप इसमें ये मत कह देना मुझे कि हमें तो weather forecast पहले से पता होता है. This is for a normal person. ठीक है, हम weather forecast की बात नहीं कर रहे हैं. नॉर्मल पर्सन अब कैसे बोल देगा कि कल कैसा रहेगा मौसम. सो उसके हिसाब से कैन हैपन बट नॉट सर्टन. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन 2. दिस इज क्वेश्चन 2. देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक बॉक्स में 6 मार्बल्स पड़े हुए हैं, और जो 6 मार्बल्स हैं उसमें जो हर मार्बल पे एक एक नंबर लिखा है, एक मार्बल पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3,
एक पे फोर, एक पे फाइव और एक पे सिक्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर टू। तो उस बॉक्स में नंबर टू मार्बल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमको चाहिए मार्बल विद नंबर टू, तो वो एक ही मार्बल होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, वन। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब उस बॉक्स में टोटल कितने मार्बल्स थे, सिक्स। तो आंसर हो गया 1/6, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 1/6। अब नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर फाइव। अगेन वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर फाइव। तो बॉक्स में मार्बल विद नंबर फाइव कितने होंगे, ऐसे मार्बल्स एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, वन। और टोटल मार्बल्स बॉक्स में कितने थे, सिक्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री पे। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। मतलब एक कॉइन को हम उछाल रहे हैं टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम स्टार्ट्स द गेम। ठीक है, अब जब हमने कॉइन उछाला तो मैंने भी कुछ सोचा ही होगा कि कॉइन उछालने में कितने आउटकम्स होते हैं, दो। किस तरह, एक हेड और एक टेल। ठीक है, तो मान लो मैंने चूज़ किया हेड, तो मेरी टीम कब स्टार्ट करेगी गेम, जब हेड आएगा। ठीक है, और हेड कितना है इसमें, एक ही है। तो हियर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर इज वन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज टू। टू कैसे, हेड और टेल, टू आउटकम्स। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट माई टीम स्टार्ट्स द गेम इज 1/2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इज इट क्लियर। सो विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक।